सिमल्टेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 है ये. क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ विंडो, एक विंडो है, इज अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की फॉर्म में, एंड सर माउंटेड बाय, क्या बोल रहे हैं, सर माउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग. द टोटल पेरीमीटर ऑफ अ विंडो इज 10 मीटर एंड द डायमेंशन ऑफ विंडो ऑफ द एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग. क्या कहना चाह रहे हैं? वो बोल रहे हैं एक विंडो है जो नीचे से रेक्टेंगुलर है, ऊपर से उसकी सेमी सर्कुलर ओपनिंग है सरमाउंटेड बाय. द टोटल पेरीमीटर, मुझे विंडो का पेरीमीटर दे रखा है, मुझे विंडो की डायमेंशंस निकालनी है. कब निकालनी है? देयर एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, कि विंडो में से ज्यादा लाइट आए. तो भाई विंडो से ज्यादा लाइट आए मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम. अरे विंडो का एरिया, विंडो का वॉल्यूम क्या होगा? विंडो के एरिया में से लाइट आती है, वॉल्यूम में से लाइट आती है, किसमें से लाइट आती है? एरिया. देखो अब अभी तक हमने जो पीछे क्वेश्चंस किया, आप देखेंगे क्लियर कट बोलते थे एरिया को मैक्सिमाइज करो, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करो. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह क्लियर कट लिखते हैं, आपको लैंग्वेज ट्विस्ट कर सकते हैं. जैसे इसमें बोल दिया जिसमें से ज्यादा है, अरे विंडो के एरिया में से ही तो लाइट ज्यादा आती है. तो ये क्वेश्चन क्या है जिसमें मुझे पेरीमीटर गिवन है और मुझे किसे मैक्सिमाइज करना है? पेरीमीटर गिवन है, मुझे बोल रहे हैं कि मुझे उसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है. ये बात क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या है पहले तो पढ़ते हैं दोबारा से. एक रेक्टेंगुलर विंडो है सर माउंटेड बाय अ सेमी सर्कल. प्लीज, ये सर माउंटेड का मतलब होता है दिस. सर माउंटेड का मतलब होता है दिस. अब एक्चुअली ना लास्ट ईयर एक बच्चे ने सर माउंटेड ऐसे बना दिया था, इसलिए मैं बताती हूँ. सर माउंटेड बाय सेमी सर्कल लाइक दिस, एक इस तरह की शेप की विंडो है. इस विंडो का पेरीमीटर मुझे गिवन है, दैट इज 10. मुझे इस विंडो के एरिया को मैक्सिमाइज करना है. तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसे एक्स मान लिया, ये एक्स तो ये भी एक्स. अब इट्स माय क्लेवरनेस, मैंने इसे 2y माना. एक्चुअली आप वाई भी लेट कर सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं था. मैंने बस 2y से लेट किया ताकि इसका रेडियस जो है वो y हो जाए. अगर मैं पूरे को y लेट करूंगी तो जो मेरा रेडियस है वो मुझे y by 2 लेना पड़ेगा. तो बस उससे बचने के लिए मैंने 2y ले लिया. अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. दैट मीन्स मैंने लेंथ अगर ले ली है x, ब्रेथ मैंने क्या ले ली है y. ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया. अब मुझे बताओ भाई विंडो का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आउटर कवरिंग. आउटर कवरिंग को देखेंगे, ये वाला x और ये वाला x, मतलब 2y. एक्सक्यूज मी मैम. हां जी बच्चा. मैम आपको दे दो. हां जी, ये मेरा 2y है, ये मेरा 2y है. क्या ये वाली साइड मेरी इंक्लूडेड है विंडो में? क्या ये वाली साइड मेरी इंक्लूड करती है विंडो में? नो नहीं, ये नहीं है. पेरीमीटर का मतलब होता है बेबी आउटर कवरिंग. पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर कवरिंग. ये मेरा 2y है, ये नहीं है. लेकिन ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 2πr, हाफ का होगा πr. हां जी बेबी, सही जा रही हूँ बिल्कुल. मैंने विंडो का पेरीमीटर कैसे लिया है दोबारा से समझिए. क्वेश्चन कह रहे हैं मेरी एक रेक्टेंगुलर विंडो है जिसको सर माउंटेड बाय अ सेमी सर्कल किया है. अब रेक्टेंगुलर विंडो है तो लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगी. अब मैंने बोला मैंने x और 2y ले लिया, अब y भी ले सकते थे. मैंने 2y सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि 2y का आधा जो है वो y हो जाता है. लाइक इसमें y आ जाएगा. अगर मैंने यहाँ y लिया होता तो मुझे फ्रैक्शन में जाना पड़ता. जस्ट फॉर द क्लेवरनेस मैंने ऐसा किया. अब विंडो का पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब आउटर कवरिंग. आउटर कवरिंग मतलब ये और ये मिला के क्या हुआ 2x. ठीक है, सिमिलरली ये वाली साइड है लेकिन ये वाली साइड इंक्लूड नहीं है. ये मेरा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर इज पाई आर, आर की जगह मेरा वाई था. हाँ जी बेबी, ये वाला स्टेप क्लियर है. मैंने क्या किया है? विंडो का पेरीमीटर. अब मुझे विंडो के एरिया को मैक्सिमाइज करना है. अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस में सेमी सर्कल का एरिया इज पाई बाय स्क्वायर, सॉरी
हाफ ऑफ पाई बाय स्क्वायर बिकॉज ऑफ सेमी सर्कल है। अंजी बेबी बताइए इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत मैंने क्या किया है? इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत मैंने क्या किया है? पेरीमीटर मैंने कैसे लिया है और एरिया मैंने कैसे लिया है? चिराग जी क्लियर हुआ कैसे लिया है बच्चा? चिराग बेबी बताओ क्लियर हुआ कैसे लिया है मैंने विंडो का पेरीमीटर? इसमें क्लियर है। दोबारा क्या कह रहे हो? इस क्वेश्चन में एरिया को मैक्सिमाइज करना है। हाँ जी बेबी वो बोल रहे हैं कि एस उस वाले एरिया को मैक्सिमाइज करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट आए। अब लाइट तो ज्यादा से ज्यादा किससे आती है? लाइट तो ज्यादा से ज्यादा एरिया से ही आती है ना। ठीक जा रही हो? नहीं 2y क्यों लिया है लेंथ को? बच्चा मैंने बोला जस्ट 2y मैंने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लिया है। इसे 2y लिया तभी तो रेडियस y लिया। अगर मैं इसे y लेना पड़ता बस उसलिए मैंने 2y लिया। y लेके करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। अब इसमें मुझे बताओ मैं गिवन से किसकी वैल्यू निकालूं, x की या y की? x की। x की ज्यादा क्लियर y की ठीक है मेरा x है। y की निकालूंगी तो सब में डालनी पड़ेगी तो मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x की वैल्यू क्या आएगी? 10 - 2y - 5y / 2। ये मेरे किसकी वैल्यू है? x की। अब ये कैलकुलेशन मैं बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ट्राई योर सेल्फ, पूरी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। मेरा काम था इक्वेशन बना के आपको देना। अब इसके आगे का मैक्सिमा मिनिमा आपको खुद करना है। इसके आगे जो मैक्सिमा मिनिमा करना है इक्वेशन आने के बाद जब मुझे डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रखना है, इक्वल टू जीरो रख के वैल्यू निकालनी है, फिर डबल डेरिवेटिव करना है, ये आगे का टोटल काम आपको कंप्लीट करना है। जरा मुझे करके दिखाइए अभी के अभी। स्टार्ट कर दीजिए इसके आगे की कैलकुलेशन, मुझे करके बताइए और बताइए डायमेंशन क्या रही है। स्टार्ट कर दीजिए, देख लीजिए मेरी कोई गलती तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को अभी कंप्लीट करके दिखाओ। स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करके दिखाओ। इसे नोट कर लो इक्वेशन को और नोट करके अभी कैलकुलेट करके दिखाओ। मैं निकालना कैसे? बच्चा इक्वेशन आ गई, मैक्सिमा करना है। पहले तो एरिया को मैक्सिमाइज करो और डायमेंशन निकालनी है। लेंथ ऑफ ब्रेड विंडो की डायमेंशन निकालनी है। हाँ जी बच्चा कंप्लीट किया, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रखा, मेरे पास y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आने के बाद डबल डेरिवेटिव किया तो एरिया मैक्सिमम आ गया। एरिया मैक्सिमम करने के बाद वो मुझे डायमेंशंस निकालने को बोल रहे हैं। तो बेबी सबसे पहले जो मेरी ब्रेड्थ है वो कितनी है? मेरी जो ब्रेड्थ है वो 2y है, ना कि मेरी y है। तो मेरी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है? 20 / 4 + y।
प्लीज रिमेम्बर दैट बेबी, जो मेरे रेक्टेंगल की ब्रेड थे वो वाई नहीं ली है, हमने उसे टू वाई लिया हुआ है, तो ब्रेड मेरी इतनी आ जाएगी, लेंथ मुझे निकालनी पड़ेगी। एक्स की वैल्यू क्या है? 10 - 2y माइनस में पाए वाई, सही जा रही हूँ, अपॉन में कितना है 2। टेकिंग एलसीएम लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। ये हो जाएगी मेरी 10/4 + 5, ये आएगा मेरा 40 + 10 - 20 - -10 कितना आ रहा है 10/4 + 5। मुझे डायमेंशन ही तो निकालनी थी, मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, दोबारा क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि मेरी एक विंडो है जो फॉर्म ऑफ क्या है, रेक्टेंगुलर, जिसकी सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, उस सेमी सर्कुलर ओपनिंग में मुझे विंडो का पेरीमीटर दे रखा है 10। फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो, मुझे विंडो की डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशंस निकालने के साथ एडमिट कर रहा है विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, कि उसकी ओपनिंग में ज्यादा से ज्यादा लाइट आती हो, ज्यादा से ज्यादा लाइट आती हो इसका मतलब क्या है, उसका जो एरिया है वो क्या हो, मैक्सिमम। बताइए बेबी, विंडो वाला क्वेश्चन क्लियर है? ये वही केस है कि मुझे कुछ गिवन था, पेरीमीटर गिवन था और एरिया को मैक्सिमाइज करना था। बताइए बेबी, किसी को विंडो के